बंगाल के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है बांग्लादेशी घुसपैठ। बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर पैसे देकर भारत की सीमा में घुसाना आम बात है। इस बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF की है। इस मुद्दे पर एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार ने बॉर्डर पर BSF का दायरा बढ़ा दिया है। अब BSF बांग्लादेशी सीमा में 50 किलोमीटर तक घुसकर भी एक्शन ले सकती है। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। इसमें सबसे ज्यादा 2216 किलोमीटर बंगाल का बॉर्डर है। यहां अभी तक BSF सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में एक्शन ले सकती थी, पर अब BSF 50 किलोमीटर तक के दायरे में सर्चिंग और गिरफ्तारी कर सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। रिपोर्टर अनिरुद्ध शाह कहते हैं, बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने के लिए दोनों तरफ दलाल घूमते हैं जो 1 से 5 हजार रुपए में बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं। इसमें कई बार BSF के ही कुछ जवान भी शामिल होते हैं। घुसपैठ करने वाले अधिकतर लोग बंगाली मुस्लिम होते हैं। BSF बॉर्डर पर तो चेकिंग करती है, लेकिन अंदरूनी इलाकों से लोग आ जाते हैं। अब 50 किलोमीटर तक का दायरा होने पर अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग बढ़ेगी। रक्षा विशेषज्ञ NK त्रिपाठी के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ इसी को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस फैसले से देश को फायदा होगा। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और चुनाव विश्लेषक डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती के मुताबिक मोदी सरकार को ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, केंद्रीय एजेंसियों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल BJP प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य कहते हैं, बांग्लादेश में बहुत सारे जिहादी कार्यक्रम चल रहे हैं। ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। जिन लोगों को ये संघीय ढांचे में घात लगता है वो बताएं, गुजरात में तो 80 किलोमीटर का दायरा घटाकर 50 किया गया है। क्या वहां भी संघीय ढांचे को तोड़ा जा रहा है? TMC की सरकार वाले राज्य में केंद्र के फैसले का स्वागत होना मुश्किल है, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस फैसले से घुसपैठ का मुद्दा सुलझाया जा सकेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।